तूने लगवाया भाई, मैंने भी लगा दिया। मैंने लगवा लिया, फैन हूं किसी ने का, मैं तो पहले लगा लिया। ही वाज मोटिवेट मी गाइस। देखो हमारे साथी सदरा देखो आज। राधे राधे सचिन, ब्लॉग बैंगर सचिन। राधे राधे, राधे राधे ब्रो। वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो गाइज, जैसा कि आपने कल देखा होगा, हम आ चुके हैं मथुरा। तो अभी मथुरा की सुबह में हम सबसे पहले मथुरा की सुबह में निकले हैं। अभी सुबह, अभी टाइम कितना हो रहा है अंदर? 8:30 बजे। तो गाइज अभी हो रहे हैं 8:30। 8:30 बजे हम निकले हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ पे क्या है गाइज, मंदिर भी है ना, 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे के बाद फिर 3 बजे से खुलता है। तो अभी हमें क्या है, हमें क्या है, पहले दर्शन करना है। तो अभी तो सबसे पहले ऊपर उठे, उसके बाद अपन क्या है, अपने को चाय की तलब लग गई भाई, अपने को चाय पीनी है। तो गाइज यहाँ देख सकते हो, चाय की टपरी है। फिर अपन आए हैं अभी चाय पीने। अभी अपन चाय पियेंगे, फिर चाय पी के अपन चलेंगे। सबसे पहले अपन चलेंगे जन्मभूमि, जन्मभूमि द्वारिकाधीश और विश्राम घाट, ये 3 जगह भी अपन जाने वाले हैं। उसके बाद क्योंकि 12 बजे तक अपन तीनों कवर कर लेंगे गाइज। फिर 12 बजे के बाद क्या, फिर मंदिर बंद हो जाती है। फिर उसके बाद 3 बजे आएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर 3 बजे से जाएंगे। तो गाइज फिर अभी अपन चाय पीते हैं, फिर चाय पी के चलते हैं आप लोगों के साथ। फिर बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो हमारी सुबह चाय के साथ स्टार्ट हुई है। ला मेरी चाय कौन सी है, ये देखो गाइज हमारी चाय। आज सुबह सुबह उठने के बाद अगर चाय ना मिले ना तो मूड ख़राब हो जाता है। चाय मिल जाए तभी अपना दिन बढ़िया जाता है। क्या महेंद्र, हम दोनों चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब अपन चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद अपना जो जर्नी है, ट्रैवल है, वो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन चलेंगे जन्मभूमि। कर रहे हैं, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं पता नहीं, यहाँ पे जमीन को छू के पूजा कर रहे हैं। ये यहाँ का कल्चर है कोई। ये देखो गजा महेंद्र, ये देखो हमारा महेंद्र भाई। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। ये देखो भाई, हमें ऑटो वालों ने उतार दिया है, देख सकते हो ये एरिया। आप यहाँ से क्या है, अपन थोड़ी देर मुश्किल से 200 मीटर है महेंद्र, हाँ 200 मीटर अपन पैदल जाएंगे और फिर 200 मीटर में आ जाएगा मंदिर। ये देख बच्चे क्या बढ़िया चंदन मंदिर लगवा रहे हैं। सब अपन लगवाएंगे, आगे 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 लगवा लेते हैं। एक बार रुक जाए, इधर इधर लगा लेते हैं, इधर लगवा लेते हैं। एक मिनट रुक जाए भाई, कोई एक जना ही तो लगाएगा, सब कैसे लगाओगे यार। ए ए ए तूने पूछा था क्या, तो इसको लगा दे तू। जो गाइज महेंद्र भी राधे राधे वाला चंदन लगा रहे हैं, तिलक बढ़िया से लगाना है यार हमारे लौंडे को। बढ़िया लगाना, बढ़िया बढ़िया लग रहा है महेंद्र। आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा तो है पूरा क्वालिटी में गाइस, देख लो महेंद्र क्या बढ़िया राधे राधे वाला चंदन लगवा रहा है। ओ हो क्या बात है महेंद्र, फुल फैन ब्रो। ओ हो सही है, भी लगाओ, मैं भी लगवा लूँ। एक बार रुक जाइए इधर आ जा, बता ना कि काई का चंदन लग रहा है, इसको ऊपर कर। यहाँ पे ये राधा रानी का चंदन लग रहा है, वो भी चंदन होता है यहाँ पे, हर पे लगा के आता है ये। हाँ हाँ, किस जन्मभूमि होती है? ठीक है भाई, वो भी चंदन है, राधा रानी का, राधा रानी का चंदन है। देखो हमारे सच में, देखो चंदन लगवा रहा है। तूने लगवाया भाई, मैंने भी लगा, मैंने लगवा लिया, फैन हूं किसी ने का, मैं तो पहले लगा लिया। ही वाज मोटिवेट मी गाइस। देखो हमारे साथी सदरा देखो आज। राधे राधे सचिन, ब्लॉग बैंगर सचिन। राधे राधे, राधे राधे ब्रो। देखो गाइस बंदे ने यार बहुत मेहनत की है, कितना बहुत हो गया। 20 रुपये चाहिए देंगे यार, देखो 20 देंगे हम बिल्कुल। ये ले भाई मौज का, मौज हो गई। राधे राधे का चंदन लगा लिया है फाइनली, और कितनी मतलब मजा आ रहा है यार दोनों ने, अपन दोनों ने काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को पता है इससे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है कि अपन प्रॉपर भगते हैं आपके इसने। क्या अलग सी फीलिंग आ रही है, अलग सी फीलिंग यार। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, पता यहाँ पे मतलब आते हैं कृष्ण जी के यहाँ, हाँ हाँ चंदन लगवाते हैं राधे जी का, अरे मान्यता है ये, हाँ मान्यता है ये, क्या लगाने से? नहीं वो तो मेरे को ही पता है, हाँ हाँ, बट ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। क्या चीज़ कि राधे जी का चंदन क्यों लगाते, किस जी का क्यों नहीं लगाते इसमें? ये तो यार पता करना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ पे सब ऐसा ही लगाते हैं, अब कोई हो गई मान्यता गाइस। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट डाउन कर देना हमें, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि ऐसा देखो क्वेश्चन उठ सकता है गाइस। बिल्कुल क्यों, बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है ना कि कृष्ण जी को राधा जी से मतलब मोहब्बत थी, तो फिर इसलिए होता होगा क्या?
क्योंकि ऐसे भी गर्लफ्रेंड फर्स्ट अकाउंट रहती है गाइस। गाइस ये देख सकते हो मथुरा की गलियों में इतना बढ़िया लग रहा है हमें। और बस अभी कुछ ही मुश्किल से 100 मीटर में अंदर अपन चलेंगे। सोए के भी नहीं, बस अब तो आ ही गया ये लोग। 50 मीटर और बाकी है। ये देखिए आ गया, और ये आ गया अपना जन्मभूमि गाइस। फिर तो देख सकते हो आप सामने से, अभी दिखाएंगे आपको। देख सकते हो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जन्मभूमि। ये आप देख सकते हो, ये रहा श्री कृष्ण द्वार गेट नंबर 1। तो भी अपन अंदर जाएंगे। आई थिंक अंदर क्या है, कैमरा अलाउ है नहीं। भी अपन अंदर जाने वाले थे, अंदर जाके फुल शूट करने वाले थे, बट अभी यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे अपन ने बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैमरा, पर्स, बेल्ट, फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो गाइज मैं आपको अंदर का तो व्यू नहीं दिखा सकता, तो बाहर से ही आप दर्शन कर लो। तो बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। और गाइज यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये आप सबको पता ही है क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि नाम है, तो ऑफकोर्सली यार कृष्ण जी का जन्म हुआ ही होगा। तो गाइज यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे राजा, जैसे कंस थे, तो कंस के जो जेल में जो जन्म हुआ था तो वो यहीं पर हुआ था, फिर उसके इसलिए से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मेन यहाँ पे चीज़ गाइज ये है, आपको अंदर का भी मैं पूरा व्यू दिखाता अंदर भी, बट यहाँ पे क्या कैमरा वगैरह अलाउ है नहीं, तो सब क्या यहाँ पे बाहर से ही दर्शन करते हैं। और मतलब ऐसे यहाँ पे भी काफ़ी साफ सफाई है मंदिर क्या, और काफ़ी देख सकते हो आप गाइज। अभी लगभग सुबह के कितने टाइम हुए हैं, 9 बज रहे हैं आई थिंक, टाइम देखियो 9:10 हो गए गाइज। तो अभी 9:10 हो रहे हैं, 9:10 में देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये क्या 12:30 बजे बंद भी हो जाता है, तो इसलिए भी क्या है लोग बाग यहाँ पे दिन में ही आते हैं। हम भी कोशिश कर रहे थे 6 बजे यहाँ, बट क्या 6 बजे हमें नींद टूटी नहीं, तो अपन अब भी आएगा। और अब ऐसे भी यहाँ पे कैमरा है तो अलाउ है नहीं, तो अंदर का तो व्यू आपको दिखा नहीं सकते गाइज। तो आप क्या बाहर से दर्शन कर लो, फिर अपन चलते हैं गाइज। फिर मैं आपको अंदर से दर्शन करके आते हैं, मैं और महेंद्र, फिर आपको बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहा अंदर का। तब तक के लिए बोलते हैं श्री कृष्ण महाराज की जय। बेल्ट, पर्स, मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं, तो अपन क्लॉक रूम में चलते हैं। क्लॉक रूम में देते हैं यार, मैं तो बेल्ट भी बोलना पड़ जाएगा यार, बोलना पड़ेगा। आ जाए यहाँ पे क्लॉक रूम है ना, उधर भी तो है, आ जाओ उधर वाले में बात करते हैं क्या कह रहे हैं वो। अगर नहीं होगा अलाउ तो खोलना तो पड़ेगा ही। काफ़ी यार अपनी पैंट भी तो थोड़ी वो हो जाएगी, लेकिन कल भी अजीब मामला है ना, पूछते हैं यहाँ पे, पूछ लेते हैं भैया क्या क्या अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ कुछ भी अलाउ नहीं है, और वॉलेट वगैरह, बेल्ट वगैरह अलाउ है गाइस। तो बेल्ट वगैरह अलाउ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ अलाउ नहीं है। तो मतलब फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो वो अपन यहाँ पे रखने वाले हैं, और फिर अपन चलते हैं अंदर, फिर दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताता हूँ अंदर दर्शन करके क्या कैसा लगा। तब तक तो हम अंदर दर्शन करके आ गए, फ़ोन तो अलाउ था नहीं, तो हम तो आपको लाइव दर्शन नहीं करवा पाया। अभी हम आए उसके बाद यहाँ पे क्या, हमने फ़ोन लॉकर रूम में जमा करवा रखा था, तो फिर अपन ने अभी फ़ोन कैमरा वगैरह ले लिया है, तो अभी अपन बिल्कुल चालू हो गए गाइज। और गाइज अंदर दर्शन करके ना बिल्कुल मज़ा आ गया, मतलब मन चंगा हो गया क्या अंदर। हाँ तू बता, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा तेरा इसमें? तो एक तो कृष्ण जी के दर्शन किए, जेल में, जेल में जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसकी पूरी गुफा, हाँ, जहाँ पे वो कृष्ण जी के जो मतलब 7 थे जो उनके देवकी पुत्र थे, उनको 7 को मार के फिर 8वें में कृष्ण जी ने जन्मा था गाइज। क्या पूरा हमने दर्शन किया, और गुफा के अंदर पूरी जो झांकी है, इसके अंदर झांकी के अंदर पूरी चीजें दिखाई हुई है, मजा आ गया। और सबसे बढ़िया गाइस मेरे को जेल लगाना है, और जेल का शानदार लगा अंदर ना, और जेल में मतलब दर्शन हुआ जेल भाई उस समय की जेल, और अब भी गाइस उसका कलर देख रहा हूँ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, कोई ऐसा नहीं कि जो जंग लग गया हो, बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो गाइस फाइनली हमें दर्शन हो गया है, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन जाएंगे द्वारकाधीश, तो एक बार बोलते हैं श्री कृष्ण महाराज की जय।